जय माता जी की साहब। हुकुम, आज हम बात करेंगे जालौर के राजा सामंत सिंह के बारे में, जिन्होंने अपने जीवित रहते हुए अपने पुत्र को योग्य समझकर सिंहासन की गादी पर बैठा दिया। आइए बात करते हैं जालौर के राजा सामंत सिंह के इतिहास के बारे में। हुकुम, 1282 में चांचिंग देव की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र सामंत सिंह को जालौर की गद्दी पर बैठाया गया और 1282 में ही बलबन ने जालौर पर आक्रमण कर दिया और बलबन ने अपने सेनापति नूर मोहम्मद को जालौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन सामंत सिंह ने नूर मोहम्मद को बुरी तरह से परास्त कर दिया और 1282 में उसे वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, हमेशा हमें इतिहास में ये पढ़ाया जाता है जिनमें ज़्यादातर हार हुई हो हमारी, वो चीज़ें बहुत कम पढ़ाई जाती है जिनमें हम जीते थे। जिनमें हमारी हार होती उस युद्ध को बहुत ही बढ़ चढ़ कर बता दिया जाता और जिन युद्धों में हम जीते थे उन सारे युद्धों को घटा दिया गया। तो 1282 में सामंत सिंह ने बलवन को परास्त करके भेज दिया था। और इतना ही नहीं, 1296 में जब जलालुद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर के सांचौर तक आ पहुंचा था, तब सामंत सिंह ने जलालुद्दीन खिलजी का इंतज़ार नहीं किया बल्कि उस पर हमला करने के लिए एक शेर की तरह टूट पड़े और बाघोला के सारंगदेव की सहायता लेकर जलालुद्दीन खिलजी पर भयंकर आक्रमण कर दिया और उसकी सेना को बुरी तरह से परास्त करके तीतर बितर कर दिया। नतीजा ये हुआ कि उस युद्ध के अंदर जलालुद्दीन खिलजी को हार का सामना करना पड़ा, उसे वापस भागने पर मजबूर होना पड़ा और वो सांचौर तक आकर ही वो सीमित रह गया। और इतना ही नहीं, समय के साथ, ये बहुत बुद्धिमान राजा थे इसलिए इन्होंने समय के साथ एक अच्छा निर्णय लिया और इन्होंने अपनी वृद्धावस्था को जानकर 1305 के अंदर अपने पुत्र कान्हड़ देव को जालौर का राजा नियुक्त कर दिया। तो ये भी जानने के लिए बहुत ही एक रोचक चीज़ है कि ऐसे भी राजा इतिहास में हुए हैं, राजपूत इतिहास में, जिन्होंने सिंहासन का लालच न करते हुए अपने जीवित रहते हुए भी अपने पुत्रों को गादी पर बैठा दिया, सिंहासन पर बैठा दिया ताकि प्रजा का पालन पोषण अच्छे से हो सके और राज्य को कुशल नेतृत्व मिल सके। तो इस तरह के थे जालौर के राजा सामंत सिंह, जिन्होंने बलबन को भी बुरी तरह से परास्त किया और जलालुद्दीन खिलजी को भी बुरी तरह से परास्त किया और समय रहते अपनी राजगद्दी अपनी इच्छा से अपने पुत्र को प्रेषित कर दी। जय माता जी की साहब।